आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल होने पर उनकी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 वर्ष के कार्यकाल में देश के 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास बढ़ा है। हम समझाते हैं कि पीएम मोदी ने मई 2014 में जब इस देश की कमान अपने हाथों में ली थी, तब से उन्होंने सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र दिया था। उस मंत्र को केंद्र की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए साकार किया है। पहले देश में गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। दशकों से देश के अंदर मग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है कि एक एक योजना न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो रहा है। यूपी रोडवेज आज अपने स्थापना दिवस के 50 साल पूरे किए। वही राजधानी लखनऊ में स्वर्ण जयंती के अवसर पर गन्ना संस्थान के में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। वही उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान प्राइम टीवी से परिवहन मंत्री ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। ऐसा नहीं है, अभी सभी कुछ बसों पर हमारे टेंडर हुए हैं और कुछ बसों पर टेंडर नहीं हुए हैं। उसको अब आने वाले दिनों में जो हमारे बसें टेंडर नहीं हुआ है विज्ञापन का, उनको भी हम लोग विज्ञापन का टेंडर करके और सरकार की भी जो योजनाएँ हैं उसको भी उस पर हम लोग आने वाले दिनों में उस पर हम लोग अपने परिवहन विभाग के बसों द्वारा सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। सर, आज यहाँ परिवहन विभाग के 50 साल पूरे हुए हैं, क्या कहेंगे? परिवहन विभाग अपने स्वर्ण जयंती समारोह आज मनाया है जी। और अपने प्रारंभिक काल से आज वो बहुत बृहद रूप में आज जो है इसका एक स्वरूप बना है और उत्तर प्रदेश के विकास में परिवहन निगम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी कोरोना काल में परिवहन विभाग निगम ने विपरीत परिस्थितियों में बहुत काम किया, जिसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर इसको संकट के साथी कहा। जब लाखों श्रमिक दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हो गए थे, उनको किसी तरह घर पहुंचाना था, उस समय कोई भी प्राइवेट बसें या गवर्नमेंट की ट्रेनें नहीं चल रही थी। उस परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल करके परिवहन निगम श्रमिकों को घर तक पहुँचाने का काम किया। कोटा और अपने इलाहाबाद से जो प्रतियोगी छात्र थे उनको घर पहुंचाया। अभी यूक्रेन से लोग आए थे, जब वहाँ युद्ध चल रही थी तो बहुत सारे लोग उनको भी उनके घर, तो एक तरह से ये जनता की एक सेवा क्या इसके अंदर एक जो भाव है ये, और आज ये 50 वर्ष अपने इसका जीवन का पूरा किया। आज बहुत बृहद रूप में आज परिवहन निगम है और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपने एक सुलभ यात्रा कम पैसे में ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा कराने का काम करता है। सर, मुख्यमंत्री जब दोबारा सत्ता में आते हैं तो कहा जाता है कि सभी मंत्रियों को निर्देश दिए जाते हैं कि 100 दिन के काम का खाका तैयार करके उस पर काम किया जाए, तो आपके विभाग की तरफ से नई बसों चलाने में तमाम चीज़ों कहा जा रहा है कि ग्रामीण डिपो भी बनाए जाएंगे, तो किस तरह का काम आने वाले 100 दिनों के लिए तैयार किया गया और उस पर कितना काम हो चुका है? देखिए, हमारे परिवहन निगम ने अपने 100 दिन के कायाकल्प योजना के माध्यम से बसों को जो है साफ़ सुथरा और जो डिपोज हैं
वहाँ पर उन्होंने जो आवश्यक जो भी सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग से बैठने के लिए पानी की सुविधा, और अभी एक और में हमारे जो परिवहन निगम ने एक ऐप लागू किया है जिसमें आप पहले से बुकिंग करा सकते हैं खाना खाने के लिए, कि बस यदि वहाँ आधे घंटे रुकती है तो आपको जो च्वाइस का जो है आपको खाना मिलेगा। अभी हमारे जो 23 डिपो हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक पे हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है, तो बहुत सारे चेंजेज जो है हमारे परिवहन निगम कर रहा है। और अभी मैं बधाई देता हूँ कि अभी पिछले दो महीनों में 150 करोड़ को घाटे को पूरा करके 14 करोड़ के लाभ में गया है। आज हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने अपने वृत्त में बताया है कि हम सब के लिए बहुत ही खुशी की है, मैं बधाई देता हूँ। और जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे जो संविदा कर्मी और चालक और परिचालक थे जो विभाग से और संविदा दोनों, आज उनको हम लोग करीब 350 ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उनको हम लोग सम्मानित किए। ऐसा उन लोगों ने काम किया जो प्राइवेट पार्टनर भी नहीं कर सकते। 6.5-6 किलोमीटर की एवरेज हमारे ड्राइवरों ने एक अपने उसमें कीर्तिमान स्थापित किया है कि जो एक प्राइवेट भी इतना नहीं दिखा सकता है, उससे ज़्यादा इन लोगों ने अपना डीजल का बचत दिखाया है। आखिरी सवाल, बसों में ऐसे कई सारे भ्रमावक पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें साफ तौर से लोगों को ठगी काम से बाबाओं के पोस्टर लगाए जाते हैं, बंगाली बाबाओं के, क्या उसके रोकथाम के लिए कुछ काम किया जा रहा है? नहीं, इतने बड़ी 14,500 बसें चल रही है, कोई किसी से कोई पोस्टर लगा दिया तो ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है कहीं एक जगह ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसका ठीका होता है और ठीके पर ही वहाँ पर प्रचार किया जा सकता है। जी, तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो 50 साल पूरे हुए हैं परिवहन के, वो कहीं ना कहीं इस जो आने वाले समय उसमें बेहतर सुधार लाया जाएगा। साथ ही आप उन्होंने बताया कि कोविड काल में बस ने जो तमाम पीड़ित थे उनके लिए एक बड़ा योगदान कीर्तिमान हासिल किया। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। काकोरी के केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ने बुधवार को अपना 39वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर आम का तुड़ाई उपरांत प्रबंधन विषय पर एक किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान किसानों को एक आम तोड़क यंत्र, सूक्ष्म पोषण तत्व मिश्रण और जैव उत्प्रेरक दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। इन्होंने म्यूजियम बनाया है, म्यूजियम में हमारे किसान देखेंगे कि किस देश में, किस प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का आम होता है, किस तरह के और फल होते हैं। इन्होंने जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुत तरह के काम किए हैं, कैंडी से लेकर के वाइन तक, जाने कितने तरह की चीज़ें उन्होंने बना के रखी हुई हैं। ये संस्थान की सक्रियता का द्योतक है और ऐसे संस्थानों से किसानों की आय दोगुनी करने में सरकारों को सहायता मिलती है, इसलिए यहाँ के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ही आज बहुत ऊंचाइयों पर ये संस्थान है, मैं कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खां से मुलाकात की। अखिलेश और आजम खां की मुलाकात करीब 2 घंटे चली। अखिलेश यादव ने आजम खां के साथ मुलाकात की तस्वीरें खुद ट्वीट पर शेयर करते हुए लिखा, अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। बता दें कि जमानत मिलने पर 20 मई को आजम जेल से निकले और 19 मई को अस्पताल में भर्ती है। सीने में दर्द की शिकायत पर भर्ती हुए थे। आजम के जेल से छूटने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात है। गाजियाबाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान देते हुए कहा कि मेरे राज्यसभा जाने या ना जाने का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य का है। कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है। पार्टी को खड़ा करने के लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए विपक्ष का लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है। विपक्ष जब सशक्त होगा, जब कांग्रेस सशक्त होगा। गरिमापूर्ण सदन होता है राज्यसभा। पार्टी को राज्यसभा में वो लोग भेजे जाने चाहिए जो पोटेंशियल हों, क्रेडिबल हों और डेडिकेशन के आधार पर फैसला होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के आसपास ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो गया है जो अभी जिनका पार्टी की आइडियोलॉजी से, जिनका पार्टी के प्रति डेडिकेशन से, जिनका कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति निष्ठा से
कोई लेना देना नहीं है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने शाहजहांपुर का दौरा किया और उन्होंने विकास भवन सभागार में पीड़ित महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़ित महिलाओं की थाने स्तर पर सुनवाई न होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ज़्यादातर केस में हम लोग यही कोशिश करते हैं या पुलिस का भी यही प्रयास होता है मीडिएशन में बुला के मामले का निस्तारण किया जाए, तो महिला आयोग का भी यही प्रयास होता है और पुलिस विभाग का भी यही प्रयास होता है कि काउंसलिंग कर दी जाए, दूसरे पक्ष को बुलाकर भी समझा दिया जाए। मेन यही होता है कि जो भी हमारे पास केस आए हैं उसमें काउंसलिंग करके लड़की का घर बसा दिया जाए। ज़रूरी है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मान रहा है सामने वाला पक्ष, तो मुकदमा लिखने का भी निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दो दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कानपुर भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस कमिश्नर विजय मीना, जिलाधिकारी नेहा शर्मा, अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित रूट और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद 3 जून को दो दिवसीय दौरे पर कानपुर आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम कानपुर देहात के पैतृक गांव पौरख में है। महामहिम का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो प्रस्तावित रूट है, जो कार्यक्रम स्थल है, उसमें सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और हर तरह के इंतज़ाम जो हैं उन पर हम लोग ने एक अच्छा रिव्यू किया है। आज हम लोग रूट की व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो ड्यूटीज असाइन हुई है उनको ब्रीफ कर रहे हैं और कुछ कमियाँ जो अभी भी दिख रही हैं उस पर हम लोग प्रयास रखते हैं कि उनको निराकरण करें और एक अच्छा जो विजिट है उसको संपन्न करें। अलीगढ़ में क्षेत्रीय लोग पिछले 3 सालों से कई स्थानों पर तहसील बनाने की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले अकबराबाद के साथ छर्रा के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तहसील बनाने की मांग रखी, जो क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन के अधिकारियों ने छर्रा के लोगों की इस मांग को शासन तक पहुंचाया। वहीं कुछ दिन पहले किसानों ने छर्रा को तहसील बनाने की मांग की थी, जो क्षेत्रीय किसानों के साथ अनाज व्यापारियों ने SDM अतरौली को ज्ञापन सौंपा था। एक्चुअली जो एक अकराबाद और छर्रा विधानसभा के कुछ पार्ट्स को लेके जो है, छर्रा के कुछ भाग में गंगिरी के कुछ पार्ट्स को लेके नई तहसील बनाने की जो के लिए जो है प्रस्ताव मांगा गया था जो है शासन से, तो इन आप लोगों की डिमांड ये है कि जो नई तहसील बने वो तहसील का मुख्यालय वो छर्रा बनाया जाए। और इस संबंध में जो है आप लोगों का ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है मैं ऊपर भेज दूँगा और शासन स्तर पर इसमें निर्णय लिया जाना है। हड्डी छर्रा को तहसील बनाने के उद्देश्य से बंद रखी गई है। हम लोग सभी एकत्रित आज इसीलिए हुए हैं और मंडी बंद की है कि छर्रा को तहसील बनाया जाए। हमें और कोई भी हमारा क्षेत्र जो है कट के यहाँ से अकराबाद में न पहुँचाया जाए, क्योंकि उससे हम लोगों के लिए बहुत बड़ी असुविधा होगी। इसलिए हमारी यही मांग है कि छर्रा को तहसील बनाया जाए और हमारी मांग को स्वीकार किया जाए। वहीं ताजमहल पर बयानबाजी जारी है। प्रिंस तुसी ने अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य और अखिल भारत हिंदू सभा भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय के खिलाफ तहरीर देकर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के निवासी और मुगलों के आखिरी वंश प्रिंस तुसी लगातार हिंदुवादियों द्वारा किए जा रहे हंगामे को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास बता रहे हैं। कानून के खिलाफ में कोई बंदा आकर दांत के सामने कह रहा है कि हम अंदर घुसेंगे, CISF को हम चैलेंज कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ SI को चैलेंज कर रहा है, तो उसके खिलाफ में कंप्लेन हमने किए और उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है इस बंदे को जो है किसको कुछ जानते नहीं अपने आप को, जो असल मैं आपको बताऊं जो असल शंकराचार्य जो असल जगत गुरु जिसे कहते हैं वो तो स्वरूपानंद जी जो मैं इनको मिला हूं जो 180 ईयर्स के, उनकी जो बातचीत है उनसे मिलने के लिए भी जो है इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी टाइम मिलता है। ऐसी तरह रोडों पे फुटपाथों पे आकर जो है मीडिया के सामने अपनी पब्लिसिटी नहीं करते आप लोग। मैं तमाम
मुरादाबाद में शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही डीएम के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा है कि किस संविधान के अनुच्छेद 35 ए की धारा 370 को जम्मू कश्मीर में समाप्त करने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की हत्या खुलेआम हो रही है। आतंकी घटनाएं लगातार कश्मीर में बढ़ रही है। आतंकियों को संरक्षण देने वाले नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज एक कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक शिक्षिका की हत्या हुई उसको लेकर के पूरे देश के अंदर आक्रोश है। शिवसेना ने आज इसी विषय को लेकर के माननीय महामहिम जी को राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है कि जिस तरह कश्मीर में एक महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्याएँ हुई और कश्मीरी पंडितों की हत्याएँ हो रही हैं, ये एक बड़ा धारा 370 हट गई, 35 ए के अनुरूप हटी और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की हत्याएँ, एक महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्याएँ, ये सब होने के लिए शिवसेना आज बहुत अग्रेसिव होकर के इसमें ज्ञापन दिया है कि इन कश्मीरी पंडितों की हत्याएँ रोकी जाएँ, उनका पलायन रोका जाए। फरुखाबाद में प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है, जहां दुर्दांत आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श मानने वाले एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि एसडीओ रविंद्र कुमार गौतम के कार्यालय में खूंखार आतंकी की तस्वीर लगे होने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले पर डीएम संजय कुमार सिंह ने विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी को जांच कर उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए थे। विभाग के जांच के बाद विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित किशोर ने बड़ी कार्रवाई की है। फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, जहां नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कादरी गेट से लिंजी गंज तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वहीं सड़क के किनारे बने भवनों को लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। कल शाम को चिनांकन करा दिया गया था, तो जिसमें लोग अपने आप हटा भी रहे हैं और जहाँ पे नहीं हटा पा रहे हैं हम लोग उन्हें बताते जा रहे हैं तो कल तक हटा दें। एक सिर्फ बुजुर्ग महिला है जिन्होंने जो 4 फीट बाई 2.5 फीट की जगह में कच्चे में रह रही है, तो जहाँ पे हमने नजूल खाली कराई है उनको उधर शिफ्ट करा दिया जाएगा, मकान से बेघर किसी को नहीं दिया। मुरादाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए और फिर पंचायत के लोगों ने दोनों की शादी करा दी, लेकिन कुछ ही दिनों में युवक ने युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवती और उसकी मां लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर संभल से है, जहां गंगा घाट हत्या की वारदात का खुलासा हुआ है, जिस पर एसपी ने बताया कि प्रसाद विक्रेता गंगा घाट पर शराब पी रहा था, जिससे साधु रुद्राक्ष गिरी ने मना किया तो वो अपशब्द कहने लगा, जिसके बाद साधु ने तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने प्रसाद विक्रेता की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति की जो अनूप शहर का पुल है गंगा जी के किनारे पर, वहां पर हत्या की गई थी। ये जो रमेश गौतम मृतक है ये वहाँ पर प्रसाद बेचने का कार्य करता था। इसमें FIR पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर ये आरोपी जिनका नाम रुद्राक्ष गिरी उर्फ जितेंद्र पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम सदरपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर है, इनको गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ से मामला सामने आया है, जहाँ पावर हाउस के राख डंप से आसपास से कई गांवों में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं और ग्रामीणों की फसल खराब हो रही है, जिसको लेकर आसपास के करीब आधा दर्जन गांव के लोग पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे और जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारी नहीं बल्कि आसपास के गांव के सभी लोगों की दो मुख्य मांगे हैं। एक तो ये डैम जो कासिमपुर पावर हाउस की राख इसमें आती है, जब हवा चलती है तो उड़ के गाँव तक पहुंचती है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, आँखों में परेशानी है और फेफड़ों संबंधित भी जैसे टीवी संबंधित भी बीमारियां उनको हो रही हैं। तो हमारी पहली मुख्य मांग ये है कि इससे ये राख उड़ना ये बंद हो, इसका कोई इलाज ऐसा परमानेंट हो जिससे कि राख उड़ना बंद हो। ऐसा इनकी 4-5 मांगे हैं, जिनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग ये है कि 5 किलोमीटर के कासिमपुर पावर हाउस के 5 किलोमीटर के इलाके में 24 घंटे बिजली दी जाए। तो उसके लिए हमने इन्हें ये कहा है कि हम जो ज्ञापन है वो संबंधित जगह भेजेंगे और यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी लगेंगे और हम लोग भी यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे।
मिजोर में गैंगस्टर एक के अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 बदमाशों की 2,64,45,000 की संपत्ति कुर्की है। यूपी गुंडा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। बिजनौर पुलिस ने आज 2 थानों में नगीना और बढ़ापुर के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगभग 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। नगीना का अभियुक्त जो गोकशी का शातिर अभियुक्त था, टल्ली वाहिद रुख टल्ली अनुचित दुनियावी आर्थिक भौतिक लाभ के लिए उसने धन कमाया था। 10 लाख रुपए के इसके मकान को एवं संपत्ति को सीज किया गया, जब्त किया गया। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।